इंडिया गेट दिल्ली का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। रोज लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे घूमने आते हैं और यही नहीं, हर साल रिपब्लिक डे की परेड भी राजपथ से होते हुए इंडिया गेट पे गुजरती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया गेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसको डिजाइन किया था सर एडविन ल्यूटेंस ने। इसकी हाइट लगभग 42 मीटर्स है और इसे बनने में 10 साल लगे थे। हाँ जी, 10 साल। इसकी नींव रखी गई थी 1921 में और ये पूरा कंप्लीट हुआ था 1931 में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट उन 80,000 सोल्जर्स की याद में बनवाया था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे। इन्हीं दो वॉर्स के 13,000 ऑफिशियल्स और सोल्जर्स के नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति रखी हुई है। अमर जवान ज्योति को उन इंडियन सोल्जर्स की याद में बनवाया गया था जो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में शहीद हुए थे। अमर जवान ज्योति के बीचों बीच एक सेल्फ लोडिंग राइफल रखी हुई है जिसका नाम है L1A1 और इस राइफल के ऊपर एक आर्मी हेलमेट रखा हुआ है। इस राइफल के चारों ओर अमर जवान ज्योति जलती है और ये ज्योति हमेशा जलती रहती है। सबसे पहली बार इस ज्योति को रिपब्लिक डे 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा जलाया गया था। तब से आज तक वो ज्योति लगातार हमेशा जलती है, चाहे कैसा भी वेदर हो, आंधी हो, तूफान हो, उस ज्योति को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। अमर जवान ज्योति हमें उन सोल्जर्स की याद दिलाती है जो हमारी और इंडिया की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं और हम यही आशा करते हैं जिस तरह अमर जवान ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है, हमारे सोल्जर्स और हमारा इंडिया वैसे ही जगमगाता रहे। और इसीलिए इंडिया गेट सिर्फ दिल्ली की नहीं, इंडिया की भी जान है। आई होप आज के फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे, तो हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।